हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास बजाज का 300 EMI कार्ड होगा और जब भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ भी खरीदते हैं, मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, तो आपको एक मैसेज आता होगा पेमेंट डिक्लाइन बाय बैंक। और भी अगर आपको वो एरर मैसेज नहीं आता तो आपको दूसरा मैसेज आता है कि पेमेंट डिक्लाइन बाय बैंक, मतलब कि जो भी पैसा है वो बैंक से डिक्लाइन ही नहीं हो रहा है, मतलब जो आपका बजाज कार्ड है वहां से आपको पैसा नहीं जा रहा है, उसके वजह से आप कोई भी ऑनलाइन परचेस शॉपिंग नहीं कर सकते। तो ये सारे एरर क्यों आते हैं, इसका क्या सोल्यूशन, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल, तो ये शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर दो ही कारण है आपके मोबाइल पर OTP नहीं आने के, और जब भी आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, अमेजोन से शॉपिंग करते हो, तो वहां पर एरर मैसेज बहुत सारे आते हैं, ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड, OTP नहीं आता, उसके बाद पेमेंट डिक्लाइन बाय बैंक, बहुत सारे एरर मैसेज आते हैं। तो सारे एरर मैसेज का दो ही सोल्यूशन है आपके पास, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और वो फॉलो करो, उसके बाद आपको एरर नहीं आएंगे। सबसे पहला फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पर OTP क्यों नहीं आता, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो लास्ट में OTP आता है वेरीफाई के लिए, OTP क्यों नहीं आता फ्रेंड? इसके लिए मेन रीजन ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बजाज के अंदर रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा। तो रजिस्टर हुआ है कि नहीं कैसे समझेंगे, जब भी आपने बजाज का कार्ड बनाया है तो तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपका बजाज का कार्ड डिजिटल कार्ड सक्सेसफुली बन चुका है। जब मैसेज आते हैं तो मान लो आपका बजाज का जो मोबाइल नंबर है वो लिंक हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास बजाज का एक भी आज तक मैसेज नहीं आया तो समझ लेना कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हुआ। तो इस केस में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको OTP नहीं आता, लेकिन अगर आपको बजाज के फालतू वाले कोई भी एडवर्टाइजमेंट के मैसेज आते, तो मान लो अगर आपका कार्ड बजाज के अंदर रजिस्टर है फिर भी आपको OTP क्यों नहीं आता। जब भी आपने बजाज का EMI कार्ड बनाया होगा 500-600 रुपीज देकर डिजिटल EMI कार्ड, और उसके बाद तुरंत आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको OTP नहीं आएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले अगर आपके पास बजाज का EMI कार्ड होगा तो आपको ऑफलाइन सामान लेना होगा, टीवी फ्रिज आपको ऑफलाइन स्टोर से दुकान में जाकर खरीदना होगा, और वहां पर ECS कैंसिल चेक देना पड़ेगा, ECS सबमिट करना पड़ेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी होगी, तभी आपका बैंक अकाउंट आपके बजाज फिनसर्व अकाउंट से जुड़ जाएगा और हर महीने आपका जो भी EMI है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली चला जाता है। उसके बाद ही एक EMI जाने के बाद ही आप सेकेंड बार जब भी आपको लेना है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से शॉपिंग कर सकते हो। तो याद रखना, अगर आपको OTP नहीं आता तो मान लेना कि सबसे पहले जो परचेस करने सामान हो आपको ऑफलाइन स्टोर से करना पड़ेगा। तुरंत आपने आज बजाज कार्ड बनवाया और आप कल बोलेंगे कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो नहीं कर पाओगे, सबसे पहले आपको दुकान से शॉपिंग करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, क्योंकि दुकान में शॉपिंग जब भी हम करते हैं तो उनको हम कैंसिल चेक देते, पासबुक की जेरोक्स, तो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करते ताकि हमारा जो EMI है वो बैंक से कट जाए ऑटोमेटिकली। इसलिए सबसे पहले हमें ऑफलाइन शॉपिंग करना पड़ेगा, फिर हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये दूसरा जो रीजन है बहुत ही अच्छा रीजन, और ये रीजन सारे लोगों के मोबाइल में आ रहा है बजाज के साथ, तो ध्यान से सुन लो। दूसरा रीजन ये कि मान लो अगर आपने बजाज का कार्ड बनवाया है और उसके बाद आपने 5-6 महीने तक कोई शॉपिंग ही नहीं की, 6-7 महीने तक कोई शॉपिंग ही नहीं की, और तुरंत आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से जाते हो, वहां पर बजाज कार्ड नंबर डालते हो, तो वहां पर बहुत सारे एरर मैसेज आते हैं, पेमेंट डिक्लाइन बाय बैंक, ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड, और OTP भी नहीं आता आपको, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आप तुरंत ही बजाज का ऑफिस में जाओ, उनको बोलो कि मुझे ECS अपडेट करना है, मतलब कि जो भी आपने बैंक अकाउंट दिया था वो फिर से आपको ECS उसके अंदर देना है या अलग बैंक के अंदर दो, क्योंकि बहुत दिन आपने बजाज के अंदर से कुछ भी सामान नहीं खरीदा तो वो ऑटोमेटिकली ECS रहते हैं उनका, शायद कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शिकायत मेरे पास आ चुकी है, बहुत सारे रोजाना मुझे मैसेज आते हैं। तो आपको उनको बोलना है कि मुझे ये मैसेज आ रहा है, ये मुझे एरर आ रहा है, तो आपको सिर्फ उनको बोलना है कि मुझे जब भी ऑनलाइन में शॉपिंग करता हूँ तो इतने सारे एरर आते हैं, तो मुझे ECS मुझे अपडेट करना है, आप दूसरे बैंक का ECS लगा लो या वही बैंक का ECS लगा लो, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट है वो नया डॉक्यूमेंट दे दो, फिर से सबमिट करो डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आपको बजाज का मैसेज आएगा कि आपका ECS एक्टिवेट हो चुका है, फिर आप ट्राई करो, 100% आपका जो भी OTP नहीं आता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बजाज का OTP नहीं आने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, तो टेंशन मत लो उसके अंदर। तो ये सारा आपका ECS का खेल है, अगर आपका ECS अच्छी तरह से लगाया तो हो जाता है, लेकिन अगर आपने बजाज का कार्ड 3 या 4 महीने के बाद यूज किया तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, 4-5 महीने के अंदर ट्राई किया तो कुछ नहीं होता, लेकिन 4-5 महीने के बाद ट्राई किया तो OTP नहीं आता, ECS फेल हो जाता है, पेमेंट डिक्लाइन बाय बैंक, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो आपको बजट के ऑफिस जाना है और वहां पर उनको बोलना कि मुझे ECS का डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना है, तो आप या आप नया बैंक अकाउंट आपके बजाज अकाउंट से जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स।
बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोगों के लिए मैं इतने रात को वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।